अचिंत शिवली आ गए हैं, 4 किलोग्राम इंक्रीज किया है। अगर कामयाब हुए तो 313 यानी कि 10 किलोग्राम की लीड बन जाएगी इनकी मलेशियन पर। बिल्कुल, मलेशिया के हिदायत मोहम्मद ने अपना दूसरा लिफ्ट 172 पर रखा है, 7 kg इंक्रीज किया है और वो भी एक दुस्साहस की श्रेणी में आ सकता है। यहाँ 170 किलो उठा रहे हैं अचिंत, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने इस प्रयास को किया, क्लीन, बिल्कुल क्लीन दिखाई दिया। वक्त ले रहे हैं, अपनी ऊर्जा संग्रहित कर रहे हैं, लेकिन 170 किलो के जग के दौरान उनकी लिफ्ट नाकामयाब रही। हालांकि अब भी गोल्ड मेडल के प्रबल दावेदार हैं अचिंत, इसमें कोई शक नहीं, इस फेल्ड लिफ्ट के बावजूद। सब कुछ निर्भर करेगा कि हिदायत मोहम्मद क्या करेंगे। उन्होंने 7 किलोग्राम इंक्रीज किया है, अगर वो कामयाब होते हैं तो 1 ही किलोग्राम की लीड उनकी बनेगी अचिंत पर, और इनका भी अभी एक अटेम्प्ट बाकी है। एक हल्की सी घुड़की मिल रही है कि रुक क्यों गए थे जब आप स्ट्रेच कर रहे थे जर्क के समय। 170 पर ही तीसरा अटेम्प्ट, क्या अभी बैक टू बैक जाएंगे या हिदायत मोहम्मद के आने का इंतजार होगा? मुझे लग रहा है कि वो जाएंगे, क्योंकि हिदायत मोहम्मद ने जो टारगेट रखा है वो 172 का रखा है, और चूंकि ये 170 उठाने जा रहे हैं इसलिए अचिंत की ही बारी आएगी। 170 केजी के लिए थर्ड अटेम्प्ट अचिंत का। एकाग्रता बहुत जरूरी इस समय, कंसंट्रेशन गोल्ड दांव पर है, न सिर्फ अचिंत के लिए बल्कि समूचे देश के लिए। क्या अचिंत इस कारनामे को अंजाम दे सकेंगे? मेडल इनका कंफर्म है संजय दा, 309 के साथ मेडल इनका आप कंफर्म मान सकते हैं, क्योंकि इनके बाद हिदायत मोहम्मद बाकी हैं या ब्रेंडन वेकलिंग बाकी हैं। टॉप 3 में तो ये रहने वाले हैं, लेकिन मेडल का रंग सुनहरा हो यही आशा है। आखिरी अटेम्प्ट 170, अगर कामयाबी मिलती है तो 313 एक बड़ी चुनौती रख कर जाएंगे बाकी दोनों अपने प्रतिद्वंद्वियों के लिए। हाथ सबके प्रार्थनाओं में हो। 170 केजी का तीसरा अटेम्प्ट, बहुत बढ़िया क्लीन किया है, कम से कम दूसरी बार की तुलना में। चर के लिए गए और कामयाब हो गए शिवली, अचिंत शिवली कामयाब 170 केजी पर।